कैसे आप 1 मिनट में सिर्फ 1 क्लिक में ग्रीन स्क्रीन की एडिटिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो सबसे पहले जो है आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए फिल्मोरा। और दोस्तों मैं ये फिल्मोरा को बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोलता हूँ पीसी के लिए। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो के लिए भी बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस आपको मिल जाता है, कोई एक बिगनर बंदा है वो भी जो है यहाँ पर वीडियो एडिट कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 तरीके से ग्रीन स्क्रीन यहाँ से हटा सकते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए सबसे पहले हमें एक वीडियो की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इम्पोर्ट मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने एक वीडियो रखा है डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ से ये मैं ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो जो है इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसका जो है हम 3 तरीके से ग्रीन स्क्रीन एडिट करना सीखेंगे फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसको पहले यहाँ से प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वीडियो का फॉर्मेट रिजोल्यूशन पूछेगा हमसे, तो मैच टू मीडिया पर रखना है हमें। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम जो है इसका ग्रीन इसको पहले छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये सीखना है कि ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाना है 3 तरीके से। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर वीडियो ला दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन हटाने से पहले हमें यहाँ पर एक इमेज की जरूरत होती है जो हम पीछे लगाएंगे बैकग्राउंड में। क्योंकि हम ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे यहाँ पर तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो हमें कोई इमेज चाहिए। तो हम यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं और कोई एक इमेज जो यहाँ पर सर्च करते हैं, अगर हो तो यहाँ से हम ले लेते हैं, और नहीं होगा तो हम ऑनलाइन ले लेंगे। इसमें कोई ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से ऑनलाइन ही ले लेता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ और यहाँ पर इमेज पे क्लिक करता हूँ और कोई एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज सर्च करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ से कोई भी एक ले लेता हूँ ताकि जो है ये वाला अच्छा लग रहा है। तो ये मैं इसको सेव इमेज पे क्लिक करूंगा और ये हमने डाउनलोड कर दिया है। इसको क्लिक करके बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पर वो इमेज है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है एडिट करने के लिए और एक हमारे पास जो है वीडियो का बैकग्राउंड है लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर लूंगा पहले इसका इमेज, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रीन स्क्रीन हटाना है तो पहले हमें इमेज होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद से हम यहाँ पर वीडियो लेंगे, तो मैंने वीडियो भी लगा दिया है। तो ये वीडियो आ गया। अब मैं जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि हमें जो है छोटा वीडियो चाहिए, बड़ा वीडियो भी हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एडिट करने के लिए आपको आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटा कर दिया है वीडियो को ताकि आपको सिखाने में आसानी हो। तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया है, कट कर दिया है। अब यहाँ से हम जो है इसका इमेज अगर हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिटैच इमेज करेंगे। तो यहाँ पर इमेज से जो है ऑडियो हट जाएगा यहाँ से, इसको डिलीट कर देंगे ऑडियो को। हम कोई अदर ऑडियो भी लगा सकते हैं। तो अब हमें जो है ये देख रहा है कि ये ग्रीन है और यहाँ पर व्हाइट है, तो हमें ये व्हाइट वाले को हटाना है। तो यहाँ से हम क्लिक करके और ये यहाँ से व्हाइट का हटा देंगे, छोटा कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अभी पूरी तरह से ये ग्रीन वीडियो एडिटिंग के लिए ये रेडी है। हमें सीखना था कि कैसे 3 तरह से दोस्तों फिल्मोरा में वीडियो से जो है ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन हटाने तो फिल्मोरा से तो वीडियो से ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक तरीका है कि हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन आ जाता है। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+G। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+G प्रेस करते हैं तो आपके वीडियो से ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, Ctrl+Shift+G। ये Ctrl+Shift+G में प्रेस करता हूँ तो देखिये यहाँ पर जो है ये ग्रीन स्क्रीन से जो है अब हमारा पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सेट कर देते हैं ताकि अच्छे से जो है अच्छा सेटिंग हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पर हट चुका है और अब जो है ग्रीन स्क्रीन हट गया है, अच्छे से वीडियो दिख रहा है। ओके, तो अभी क्या है कि हम इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे तो सिर्फ आपको बताना है कि ग्रीन स्क्रीन हटाने का तरीका। तो ये एक तरीका हो गया राइट शॉर्टकट से। दूसरा आपको पता है कि यहाँ से ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे तो भी ऐसे हट जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ से तो मैं यहाँ से पहले बैक कर देता हूँ, फिर से उसी लाइन में हम चले जाएंगे जब हमारे पास ग्रीन स्क्रीन था। तो ये फिर से ग्रीन स्क्रीन आ चुका है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो है ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा वीडियो से। देखिए हट गया,
अब फिर से हम इसको ऐसे थोड़ा बढ़ा देंगे तो हमारा वीडियो से ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। तो ये आपको दूसरा तरीका पता चल गया। इसके अलावा जो है, अब मैं इसको फिर से बैक कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं बैक कर दूंगा तो फिर से ग्रीन स्क्रीन आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, आपको इस पे वीडियो पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रीन स्क्रीन यहाँ से भी आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पे क्रोमा की पत्ती करना होगा और उसके बाद से ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हम थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा एक्चुअल जो बैकग्राउंड का स्क्रीन है वो यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप तीन तरीके से अपने फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं, सिंपल से सिर्फ एक मिनट में हट जाएगा। कोई भी बहुत बड़ी जो है यहाँ पर ट्रिक नहीं है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। इससे दोस्तों आप जो है अपना वीडियो का ग्रीन स्क्रीन हटाकर कोई नया बैकग्राउंड लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।